तो EMI बाउंसिंग चार्ज ये एक ऐसा चार्ज है जब अगर आपके अकाउंट में लगने शुरू हो जाएंगे तो आपको नानी याद आ जाती है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी हाई वैल्यू पेनालिटी चार्जेस होते हैं जो कि आपका बैंक काटता है आपके फाइनेंसर के रिक्वेस्ट पे। बेसिकली दोस्तों EMI बाउंस चार्ज होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप कुछ पर्सनल लोन लेते हैं या फिर आप कोई मोबाइल या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग करते हैं EMI पे फाइनेंस करवाते हैं, और अगर वहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट को उस फाइनेंस कंपनी से लिंक कर दिया जिसको बोला जाता है ई मैंडेट, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट जिसमें एक फिक्स डेट को एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट से वो जो फाइनेंसर है वो ऑटोमेटिकली जो EMI होगा वो काट लेगा। यहाँ पे आपको EMI अपनी ओर से खुद से नहीं जमा करना होता है, एक तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें उस तारीख को आपके उस अकाउंट से जो आपने लिंक किया है ऑटोमेटिकली पैसे कटेंगे। ठीक है, तो मान के चले कि आपने कोई मोबाइल परचेस किया है और जिसकी आपने EMI बनवाई है और आपने अपने बैंक अकाउंट को मैंडेट कर रखा है जिसका जो EMI कटने की तारीख है वो है 1 तारीख। तो ऐसे में क्या होगा कि हर महीने की 1 तारीख को वो जो कंपनी है वो आपके अकाउंट से आपका जो EMI का अमाउंट है वो डिडक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर रखा है, सफिशियंट बैलेंस नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे फाइनेंसर जो है वो EMI का रिक्वेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, तो बैंक का जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो उसकी इजाज़त नहीं देगा क्योंकि आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं है। और इस सूरत में क्या है कि वो बैंक जो है आपसे EMI बाउंस जो होता है एक तरीके से पेनाल्टी, वो आपसे अकाउंट में कट कर लेगा, जो कि 590 रुपये से लेकर 950 रुपये प्लस GST तक हो सकता है। मतलब ये कि कम से कम आपको 600 रुपये पे करने ही करने हैं और ऊपर की लिमिट लगभग 1,200 है। तो दोस्तों और इसका सिलसिला रुकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख को बाउंस चार्ज लग गया फिर उसके बाद आपको अगले महीने लगेंगे, नहीं। जैसे ही 1 तारीख को जब वो कंपनी जो फाइनेंसर है वो उस बैंक से रिक्वेस्ट करेगी EMI पेमेंट करने के लिए, तो बैंक चेक करेगा तो बैलेंस है ही नहीं, तो वो आपका EMI बाउंस चार्ज काट लेगा। तो वो रिवर्ट फिर वापस फाइनेंसर के पास जाएगा, उसके नेक्स्ट डे या फिर अगले 2-3 दिन बाद जो कंपनी है वो फिर से बैंक को रिक्वेस्ट करेगा और बैंक यहाँ पे फिर से पेनाल्टी काटेगी। और अगर यही सिलसिला 1 महीने में 15-20 बार हुआ तो आपको कम से कम जो है 15-20 हज़ार का जो है EMI बाउंस चार्ज लग जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें किसी का 25,000-30,000 ऐसे जो है अकाउंट में पैसे कटे हैं EMI बाउंसिंग चार्जेस। तो गाइज ये बेसिकली यही तभी होता है जब आपने अकाउंट को मैंडेट किया हुआ होता है। तो आप कभी भी जो है किसी भी फाइनेंस कंपनी से कुछ भी फाइनेंस करते वक्त कभी भी अपने अकाउंट को मैंडेट मत करना, क्योंकि मैंडेट जब आप करते हो तो एक तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट के ऊपर उनको एक कंट्रोल दे देते हो कि वो खुद से पैसे काटें। आप हमेशा मैनुअल पेमेंट चूज करना जिसमें आप अपनी ओर से EMI पे करो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वहाँ ऑफिस में विजिट करके, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। दूसरा कि अगर आपको एक बार जैसे ही मैसेज आ जाता है EMI चार्जेस जो है उसका बैंक की ओर से, तो आप तुरंत जो है फटाक से अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दो ताकि अगली बार से जब वो फाइनेंस कंपनी पैसे डिडक्ट करने की कोशिश करे तो वो एक बार में सक्सेस हो जाए, तो यहाँ पे आप बच जाएंगे कि आपको पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। तो ये गाइज ये पूरा प्रोसेस है EMI बाउंस चार्जेस का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो कम से कम आप अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लो, लेकिन कम से कम इसमें जमा कर देना, नहीं तो ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। दोस्तों ऐसे ही और कमाल की जानकारी के लिए आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।